शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे, तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्र में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है, उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर माँ जगजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, माँ इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूँ, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूँ, माँ बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है, वो सिंधारा दूज का। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, माँ जगत जननी, आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी एक भाव से निवेदन करें। हे माँ, हे दया कर, आप कृपा, अगर हम मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, चाहे जो भी बनकर पैदा हुए हो, 84 लाख योनियां जो हमको मिली, उसमें हम जो पैदा हुए जन्मे, तो हमने वापिस जाने के बाद नरकों का भोग भी भोगा है। पर हो सकता है कि वो नरकों का भोग भोगते भोगते जब हम थक गए हो, तो भगवान से ही हमने प्रार्थना कर ली हो कि प्रभु अब तो क्षमा करो और एक काम करो कि अब हमको वापस मृत्यु लोक में जन्म दे दो, बाकी का बचा कुचा वहां पर भोग लेंगे। हम भी अपने प्राणों को त्यागने के बाद जब हम पहुंचे भगवान के दरबार में, हमने पहुंचकर भोग भोगा, हमने नरकों का भी भोग भोगा, हमने स्वर्ग का भी भोग भोगा। हमने नरक का भोग भोग लिया, पर जब नरकों का भोग भोगने के बाद हम थक गए, हम परेशान हो गए और बहुत ज्यादा हताश हो गए, तब भगवान से कहा, अब हमारी छुट्टी कर दो और हमारा एक पर्चा लिख दो, हम नीचे जाके ले लें। अर्थात जो बचा कुचा भोग है नरक का, बचा कुचा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वो मनुष्य के शरीर में हम नीचे आकर क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हम उस परमात्मा से पर्चा लिखवा कर लाए हैं कि हमको बाकी का भोग हम घर जाकर भोग लेंगे, हमको जाने दीजिए, हमको यहाँ रहना नहीं है, अब हमें यहाँ से मुक्त कर दीजिए, अब हमको यहाँ से जाने दीजिए, यहाँ सुख का भान नहीं हो रहा, अब हमें जाने दीजिए, बस यही जीवन है, दुख और सुख मानव के जीवन के पहलू है। और संसार सागर में अगर उसने जन्म लिया है, संसार सागर में अगर वो आया है, संसार सागर में अगर उसका जन्म हुआ है, तो संसार सागर में जन्म लेने के बाद उसको सुख और दुख का भान तो करना ही पड़ेगा, सुख और दुख का स्मरण तो करना ही पड़ेगा, उसको कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मत भूल।
राधे करम कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो ज्ञानी मत कर नादानी। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद हमारे को जो भोगना है वो कर्म के अनुसार भोगना है, हमें कर्म के अनुकूल रहना। अगर थोड़ा भगवान का भजन मिल रहा है, थोड़ा स्मरण मिल रहा है, थोड़ा संकीर्तन मिल रहा है, थोड़ा इस मानव के शरीर को पाने के बाद अगर हम भगवत भक्ति में कहीं डूबे हुए हैं तो ये परमात्मा की कृपा से ही डूबे हुए। परमात्मा की दया से ही डूबे हुए, और वो परमात्मा की कृपा, परमात्मा की दया सुख का मूल स्थापित करने वाला। देखिए झाड़ू जो बनाई जाती है ना, वो स्वतः ही कचरा है। उस कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू में बंधन होना जरूरी है। अगर वो बंधन होगा तो वो कचरा साफ करती रहेगी। उसी तरह संसार सागर में आने के बाद परमात्मा का बंधन इस मानव देह के साथ होना जरूरी है, इस आत्मा के साथ होना जरूरी है। जब ये मानव के साथ में, मानव देह के साथ में, इस आत्मा के साथ में परमात्मा का बंधन होगा तो उस बंधन से वो संसार के काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा के कचरे को साफ कर सकता है। उस बंधन का होना का देह मिलने के बाद भी हम उस परमात्मा से नहीं बंधे, उस परमात्मा से हमारा बंधन हो ही नहीं पाया, उस परमात्मा से हम एकाग्रचित्त हो ही ना पाए, तो फिर उसका कोई सुख नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। ये बंधन ये परमात्मा का, जैसे आप रोज गंगा नहाने नहीं जा सकते, आप रोज सरयू का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज छिपरा का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज प्रतिदिन कहीं मंदाकिनी का स्नान करने नहीं जा सकते, तो हमारे हिंदू धर्म में रीति बना दी कि गले में तुलसी की माला पहन लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो। तो क्या तुलसी और रुद्राक्ष पहनने से होगा क्या? तो हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि हम गले में जब तुलसी की माला धारण करते हैं, हम गले में जब रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, एक लोटा भरा हुआ पानी भी अगर हमने अपने शरीर पर डाला तो वो तुलसी और रुद्राक्ष से होकर जब इस श्री विग्रह पर, जब इस शरीर पर जाता है, वो पानी तुलसी का लगा हुआ, वो रुद्राक्ष का लगा हुआ जल जब इस शरीर पर जाएगा तो हमें गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती सबके स्नान का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। मात्र उस जल का स्पर्श हो जाने पर, तुलसी के जल का, रुद्राक्ष के जल का मात्र अपने ऊपर सिंचन ही हो जाने पर वो फल की अनुभूति हो जाती है, वो फल प्राप्त हो जाता। क्यों ना कहें? आप में से हम विचार करें, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, गले में अगर आपके तुलसी की माला है और आप प्रतिदिन स्नान करने के लिए भले वॉशरूम में जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर आपके शरीर पर डल रहा है तो वो तुलसी से निकलकर इस शरीर पर जब जाता है तो गंगा, यमुना, सरस्वती के स्नान का पुण्य मिल जाता है। गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, आप अगर स्नान करें और रुद्राक्ष का जल आपके शरीर पर जा रहा है तो उसका फल हजार गुना प्राप्त हो जाता है। पुराण कहती है कि मात्र अगर रुद्राक्ष का जल ही, केवल एक रुद्राक्ष का, अगर असली रुद्राक्ष अगर आपके पास में है और उसको पानी में गलाया गया है और उसका जल ही अगर हम आचमन कर लिया तो उससे भी हजारों रोग हमारे समाप्त हो जाते हैं। मात्र रुद्राक्ष का जल का आचमन ही कर लेने पर वो औषधि का कार्य भी कर जाता है, वो आनंद की अनुभूति भी कर जाता है।
शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास जाकर कहते हैं कि अब इस सृष्टि का जो निर्माण है, इस सृष्टि का जो निर्माण मुझे करना है, उसमें संसार की जितने जीवों का हम निर्माण करेंगे, उन जीवों को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ सुख हमें किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम इन सुख को जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो जीवित नहीं। जैसे मछली को बनाया तो सबसे पहले जल से पूछा गया, हे जल नारायण आप बताओ, हम मछली बना रहे हैं, आप इसको साथ दोगे?